Hi, good afternoon, So, how are you? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. So, how are you all doing? Doing great? Okay. Pratika is already showing me the great sign. Wow. Amazing, dear. Okay. Keshav, I've just entered and you have a doubt, huh? Ma'am, kitna ma'am pareshan rakhti hai, huh? Batao. मैम, मॉर्निंग। एंड आज का पीडी का टॉपिक क्या है? मैम, आज का पीडी का टॉपिक आप गेस करो। चलो, क्या है? सोशल हेल्प, सोशल लाइफ तो फिनिश हो गया। रेस्टोरेंट, रेस्ट्रो हैबिट्स, सॉरी, रेस्ट्रो गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स? यस नहीं, अभी हैबिट्स नहीं। लास्ट टाइम हमने इमोशन बिल किया था, उससे यस, रिलेटेड है। तो इमोशन बिल कौन सी हेल्थ थी हमारी? व्हाट थिंग्स मेड मी मी, उसके बाद देख, हमने किया था इमोशन व्हील, यस, जिसमें हमने लिखना था हम कब सैड होते हैं, कब हैप्पी होते हैं, राइट? तो ये कौन सी टाइप ऑफ हेल्थ हुई? ये हुई ये हुई इंटेलिजेंस। हम इमोशनल हेल्थ। ओके, सो वी वर डूइंग इमोशनल हेल्थ। नाउ टुडे वी विल मूव अ लिटिल अहेड ऑफ इट। अब हमने अपनी फीलिंग्स को देखा, फीलिंग्स समझे। अब नेक्स्ट पार्ट ये आता है कि कैसे पता चलेगा कि हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक है। अब अगर हमारी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं होती, कुछ सिम्टम्स दिखते हैं ना हमें, लेट से अगर आपको फीवर आता है तो आपको कैसे पता चलता है आपको फीवर है? आपका बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है, आपके एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है, एनर्जी नहीं होती बिकॉज ठीक से कुछ खाने का मन नहीं करता, तो हमारे एपेटाइट लो हो जाता है, राइट? इन सब से हमें पता चलता है कि हमें फीवर है। ऐसे ही जब हमें कोल्ड एंड कफ होता है तो क्या होता है, हमारी रनिंग नोज होगी या ब्लॉक्ड नोज होगी, कफ होगा, वील बी स्नीजिंग, राइट? अगेन वील एक्सपीरियंस बिट ऑफ बॉडी एक, सो उससे पता चलता है कोल्ड एंड कफ है। ऐसे हमारी इमोशनल हेल्थ है। तो अगर हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि ठीक नहीं है? क्या सिम्टम्स आपको दिखेंगे, सोचो। इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है यानी कि आप सैड हो, डिप्रेस्ड हो, डरे हुए हो, परेशान हो, तो क्या चेंजेस आप में आते हैं, आपके बॉडी में आते हैं या आपके बिहेवियर में आते हैं, क्या चेंजेस ऑब्जर्व करते हो आप ये सारे का? मैम, हम बहुत लेजी होंगे, बहुत सैड होंगे। डेफिनेटली यस, हम लेजी हो जाते हैं, हम सैड फील करते हैं, वेरी ट्रू। आरव, मैम, हम किसी न्यूज़ को सुन के चिड़चिड़े हो जाते हैं, ओके, तो सैड। बिहेवियर चेंजेस में हम इरिटेटेड सा फील करते हैं थोड़ा, यस मैम, ओके, ऑलराइट। गुस्सा। गुस्सा भी आता है, ओके। कृतिका, मैम, हम बहुत एंग्री हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्सा करते हैं। राइट, तो ये होते हैं आउटबर्स्ट, ठीक है, कि किसी बात यस पे हम इतना गुस्सा एकदम नहीं करते, बट ये हमारा आउटबर्स्ट होता है, यस ठीक है, मैम। ओके। रुष्टा, मैम, अनहैप्पी एंड अनकंफर्टेबल। राइट, वी फील अनकंफर्टेबल एंड वी आर अनहैप्पी, वेरी ट्रू। केशव, थैंक यू मैम। या जो कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। क्यों नाउ आई विल बाकी टेल यू, लोग? हाँ, ना आई विल टेल यू, उनको घर पे डांट तो नहीं पड़ती होगी, पर उनका कंपैरिजन किया जाता होगा कि वो देख, वो तेरे से अच्छा है, बट उनको ये नहीं देखा जाता होगा कि उनमें क्या अच्छी क्वालिटीज है। तो वो सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट के साथ नहीं है केशव, वो सबके साथ है, वो स्कूल स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, और मैम, हमें ना और कभी कॉलेज किसी स्टूडेंट्स को ने, भी डांट पड़ती है। ऐसी बात नहीं है नहीं पड़ती, उनको भी डांट पड़ती है। आई वॉज ऑल्सो इन कॉलेज एवर इन माई लाइफ। मैम, हमें किसी के लिए भी ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरानी चाहिए, क्योंकि हम जैसे भी हैं अपनी लाइफ के तो सुपर हीरो ही हैं ना।
डेफिनेटली हम अपने लाइफ के सुपर हीरो ही हैं। बट अब एक चीज और होती है केशव, अगर कोई बार बार हमें कुछ कह रहा है कि ये चीज आपकी ठीक नहीं है और वो हर जगह से आ रहा है, स्पेशली पीपल हुम यू ट्रस्ट, जो पता है कि आपको ऑनेस्टली हर चीज बोलेंगे, तो इट मीन्स कि तब हमारे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है जो हमें समझने की जरूरत है, राइट? सो इट डिपेंड्स। अब कुछ लोग तो चिढ़ाने के लिए करते हैं, हमें नीचा दिखाने के लिए करते हैं, फाइन, बट कुछ लोग वो भी होते हैं ना जो हमारे वेल विशर्स होते हैं, so we can always trust on their feedback. Okay, all right. Yes, Vedanshi. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Ma'am, जब हम ill होते हैं, तो ma'am हमारी study भी effective होती है. इससे हम और worried होते हैं, worried. Okay, Vidanshi, first of all, I would request you to remove your backdrop because I can't see you properly. And secondly, हम बीमार जो है physical illness की बात नहीं कर रहे, हम emotional की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें सिर्फ study नहीं, हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करेगा. Okay? So as Arika had said, we feel lazy. It's not actually lazy. It's like we don't feel like doing anything because हमारे में ना बहुत अपने आप को लेकर बहुत क्वेश्चंस होते हैं, मेरे से ये नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हमारी जो थिंकिंग है ना वो भी नेगेटिव हो जाती है. आई जस्ट शेयर अ फ्यू सिम्टम्स, यू गाइस हैव गेस्ड मेनी ऑफ देम करेक्टली. जस्ट टू हैव अ क्विक रीकैप, आई विल शेयर द सिम्टम्स विद यू वंस अगेन. ओके, तो फीलिंग एंशियस या वरिड, या तो हम बहुत एंशियस हड़बड़ाहट में रहते हैं, मुझे ये करना है, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, मुझे ये करना है, दैट्स एंशियस. और वरिड होते हैं जब हम घबरा जाते हैं, तो या तो हम घबरा जाएंगे या हम एकदम एंशियस होंगे या हम अनहैप्पी होंगे. इमोशनल आउटबर्स्ट, बहुत एकदम से गुस्सा करना, क्राई करना शुरू कर देना, एकदम स्क्रीम करना शुरू कर देना, येल करना शुरू कर देना, दैट्स इमोशनल आउटबर्स्ट. स्लीप प्रॉब्लम्स, हमें ठीक से नींद नहीं आती है, वेट एंड एपिटाइट चेंजेस, ठीक से खाना भी नहीं खाते हम, या बहुत ज्यादा खाएंगे या बहुत कम खाएंगे, तो उसकी वजह से हमारे वेट पे भी इफेक्ट आता है. एंड वी आर क्वाइट एंड विड्रॉन, किसी से बात करने का मन नहीं करता, बस हम अपने में ही रहना प्रेफर करते हैं. एंड देन फीलिंग गिल्टी और वर्थलेस, तो हमें लगेगा बस सारी गलतियां मुझसे ही होती है, मैं ही करूंगी, मैं इस पर तो कुछ नहीं हो सकता, आई एम वर्थलेस. तो ऐसे फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर हमारे को लेकर बहुत सारे होते हैं. एंड चेंजेस इन बिहेवियर एंड फीलिंग्स, जैसे कि हम बहुत इरिटेटेड रहेंगे, किसी से भी रूडली बात करेंगे, राइट? बट यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग, कि ये जो सिम्टम्स है ना, ये आप पूरा दिन एक्सपीरियंस करोगे. ये नहीं कि अगर आज लेट्स से आपका प्रोजेक्ट सबमिशन है और आज आपको होमवर्क भी ज्यादा मिल गया, तो आप थोड़ा टेंस्ड हो, बर्डन हो जाते हो, तब भी हम थोड़ा इरिटेटेड फील करेंगे, हमारा कुछ खाने का मन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हमें काम फिनिश करना है, काम ज्यादा है, टाइम कम है, तब भी हम ये सब फील करते हैं. बट वो सिर्फ उस सिचुएशन के लिए. जब हम कहते हैं कि हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है, तो ये सारे सिम्टम्स आप पूरा दिन, बहुत दिनों तक एक्सपीरियंस करते रहोगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें फीवर आता है, ऐसे तो नहीं है ना 10 मिनट्स के लिए आया फिर चला गया, फिर दोबारा 1 आवर के लिए आया फिर चला गया, ऐसा तो नहीं है ना. फीवर रहता है जब तक आप दवाई नहीं लेते, दवाई लेने के बाद जाना शुरू होता है, राइट? तो ऐसे ही इमोशनल हेल्थ है, ये जो भी सिम्टम्स आप से डिस्कस हुए हैं या पूरा पूरा दिन एक्सपीरियंस करोगे, कि किसी से पूरा दिन बात नहीं करने का मन, कुछ करने का मन नहीं है, और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड को बॉदर कर रहे हैं, आपको ठीक से नींद नहीं आ रही, आप कुछ खाना नहीं चाह रहे, इरिटेटेड रह रहे हो, राइट? तो ये पूरा दिन और चलता रहेगा जब तक कि आप किसी से बात नहीं करोगे या ट्रीट नहीं करोगे इसे. ओके, तो अगर किसी सिचुएशन की वजह से ऐसा आता है, तो दैट इज नॉर्मल, क्योंकि वो हमारे बॉडी का एक तरीका है उस सिचुएशन को हैंडल करने का. बट ये अगर बहुत ज्यादा है, पूरा पूरा दिन है, तो प्रॉब्लम है सिर्फ. ओके, लेट्स स्टॉप द स्क्रीन शेयर. ऑलराइट, नाउ वी अंडरस्टूड कि इमोशनल हेल्थ अगर ठीक नहीं है, तो क्या सिम्टम्स आ रहे हैं. अब सवाल ये है कि इमोशनल हेल्थ खराब होने के रीजंस क्या है, किस वजह से हमारी इमोशनल हेल्थ खराब होती है, क्या कारण हो सकता है? कैन एनी वन ऑफ यू थिंक? ओके, रिश्ता, मैम, अनहेल्दी खाना, जंक फूड खाना. हाँ, यस, एट टाइम्स इट डज हैपन, बिकॉज़ आप क्या खाना खा रहे हो वो भी आपके मूड को अफेक्ट करता है. तो अगर आप बहुत ज्यादा अनहेल्दी डाइट लिए जा रहे हो, इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू, डेफिनेटली. यस यस राइट. अर्चित, अनम्यूट. हाँ
Pritika after Archit. Archit, unmute. Yes, ma'am. Share the reason. क्या रीजन होगा इमोशनल हेल्थ खराब होने का? आप कब सैड और डिप्रेस्ड हो जाते हो? मैम जब मम्मी डांट लगाती है। ओके, जब मम्मा डांट लगाती है फिर क्या होता है? आपके माइंड में कोई थॉट्स आते हैं? नो मैम। कोई सोच नहीं आती जब देखो मेरे को डांटती रहती है और कोई काम ही नहीं है इनको? नो डांटती है, कोई आपके मन में कुछ नहीं आता तो फिर आप सैड हो जाते हो? फिर तो हैप्पी होना चाहिए, डांटे ही तो है। नो मैम। हाँ फिर बताओ, जब मम्मा गुस्सा करती है तो कैसा होता है आपके माइंड में, क्या हो रहा होता है? गुस्सा आ रहा होता है ना उनपे? नो मैम। कुछ भी नहीं होता, मन करता है मम्मा और डांटो। इज योर मम्मा अराउंड? टेल हर शी विल बी हैप्पी। अर्चित को डांट खाना अच्छा लगता है। हाँ मैम, मैंने कुछ गलती की होगी इसलिए मम्मा ने डांटा होगा। हाँ तो अगर ये गलती करी होगी तो फिर हम उदास थोड़ा ना होंगे, फिर तो हम सोचेंगे कि गलती क्या की होगी। Yes, ma'am. तो आपने तो कहा आप उदास हो जाते हो, यू फील बैड। सोचो सोचो। आरव मैम, हम टाइम से खाना नहीं खाते। टाइम से खाना बेटा वो ज्यादा ना फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट लाता है, इमोशनल पे इतना नहीं लाता। ओके बिकॉज जब हम ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं तब हम तब भी खाना नहीं खाते, बट फिजिकल पे वो ज्यादा इफेक्ट करता है। ओके प्रीतिका मैम, हमें डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए कि मैं ना तो इतना सारा काम है, मैं कैसे करूंगी और ये कैसे होगा। एंड मैम हमें मेडिटेशन करनी चाहिए। द क्वेश्चन इज कि हम क्यों इमोशनल हेल्थ क्यों खराब हो जाती है हमारी, क्वेश्चन ये है। आप बता रहे हो कि हम कैसे ठीक रख सकते हैं, वो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है मैम, हमें डिप्रेस्ड नहीं होना होता। हम डिप्रेस्ड होते हैं तभी खराब होती है। आपको ये क्या है? हम अभी बात कर रहे हैं कि क्यों खराब होती है। तो जब हम डिप्रेस्ड हैं, यानी हम डिप्रेस कब होंगे, जब हम एक ही बात को बार बार सोचते रहेंगे, राइट? सो ओवर थिंकिंग, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज ओवर थिंकिंग। अगर आप कोई भी बात को बार 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 सोचते रहोगे तो डेफिनेटली वो आप पर इफेक्ट डालेगी। ओके अभी यस मैम। या प्लीज शेयर मैम, क्या बोल रहे थे? रीजंस ऑफ इमोशनल हेल्थ नॉट वेल। मैम इमोशनल हेल्थ का रीजन था मैम हमें चोट लग गई। ओके और फिर हम मम्मा के पास जाते हैं, फिर मम्मा डांटती है कि चोट पूछती है कि कैसे लगवा ली, फिर हम बोलते हैं कि मैं हम गिर गए थे और ऐसे चोट लग गई, फिर डांटती है कि ऐसे खेलने मत जाया करो। ओके तो इसमें आपकी इमोशनल हेल्थ पे क्या इफेक्ट आया? मैम इमोशनल हेल्थ पे हम इमोशनल हो गए थे। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारी इमोशनल हेल्थ खराब कैसे होती है। अगर हम गंदा खाना खाएंगे तो हो जाएगी। बेटे खाने के अलावा सोचो, देयर इज लॉट मोर अबाउट इमोशनल हेल्थ देन फूड। फूड इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट, देयर आर लॉट मोर थिंग्स। नावेद, जब हमारी फीलिंग नहीं समझता, जब कोई सपोर्ट नहीं करता, लाइक मम्मी पापा, लाइक मम्मी पापा भैया, तो इमोशनल हेल्थ खराब हो जाती है। डेफिनेटली जब हमारी कोई फीलिंग्स नहीं समझता
तब होता है, क्योंकि तब भी हम ओवर थिंक करेंगे, कुछ मेरी बात कोई समझना ही नहीं चाहता, किसी को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ क्या कह रहा हूँ, तो हम और नेगेटिव होते जाएंगे. डेफिनेटली यस नावेद, इट अफेक्ट्स अस. कुमकुम. यस मैम. या प्लीज शेयर. यस मैम, जब हमें कोई डांटता तो मैम हम सैड जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम उनसे कभी बात नहीं करेंगे. बेटा क्वेश्चन ये है कि इमोशनल हेल्थ अगर हमारी ठीक नहीं है तो उसका कारण क्या है? आप मुझे कारण बता रहे हो इमोशनल हेल्थ ठीक ना होने का. डांटना तो एक टेम्पररी चीज है ना, किसी ने डांटा थोड़ी देर के लिए आप सैड हुए फिर आप ठीक हो गए. हम इमोशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं. ऋषिद. यस मैम. मैम जब हम ज्यादा सोचते हैं और किसी चीज को ज्यादा सोचते हैं, इसीलिए हमारी इमोशनल हेल्थ खराब हो जाती है. ओके, डेफिनेटली यस. जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तब खराब होती है. एंड ऑल्सो देर इज वन मोर रीजन फॉर इट, जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से. अगर मैं बार बार अपने आप को कंपेयर ही करती रहूं, राइट, सो इट विल मेक मी मोर अनहैप्पी अबाउट माई सेल्फ. तो इससे क्या होगा, मेरे माइंड में और नेगेटिव थॉट्स आएंगे मैं अपने बारे में लेके. सो इवन कंपेरिजन, और सिर्फ दूसरों से ही नहीं, कंपेरिजन फ्रॉम योर पास्ट ऑल्सो, जो बैड, कि पहले तो मैं ये कर सकती थी वो कर सकती थी, अब तो मैं नहीं कर पाती, अब तो मैं नहीं करती. Even that can affect us. उसके अलावा अगर हमारे जैसे feelings हैं, हम किसी से अगर share नहीं करते, अगर हम अपनी बातें अपने तक ही रखते हैं और share out नहीं करते, even that can lead to it eventually. Okay? So इसलिए आप कैसा कब feel करते हो, it's important that you share. Share का यानी आराम से बात करना, ना कि shout, scream करना. Okay? And apart from it, at times when we are worried, कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अगर हम फ्यूचर की टेंशन बहुत ज्यादा लें तब भी हो सकता है. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें समझ तो आए रीजंस क्या है. अब आगे ये सोचो कि अगर हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है तो ये हम पर कैसे इफेक्ट करेगी. हाउ विल इट अफेक्ट अस इफ आर इमोशनल हेल्थ इज नॉट फाइन, कैसे इफेक्ट करेगी हम पर. कैन एनी वन ऑफ यू थिंक. Okay, Zainab. Ma'am, we can. Ma'am, हम कोई सी चीज सही से नहीं कर पाएंगे. जैसे अगर हमारा मूड ऑफ होगा तो फिर हम अपने स्टडीज में ध्यान नहीं लगा पाएंगे. Okay, तो हम किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, राइट? वो कोई एक्टिविटी भी हो सकती है, फाइन. स्टडीज भी हो सकती है, एक्टिविटी भी हो सकता है, वेरी ट्रू. तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा, हम फोकस ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारे माइंड में डिस्ट्रैक्शन वो चलता रहेगा. एनीथिंग एल्स, एनी अदर वेज इट विल अफेक्ट यू. केशव. मैम, वेदांशी एंड रिजदा हैव सीन योर हैंड, लोअर इट, आई विल आस्क यू नेक्स्ट. हां, आपको ये बताना चाहता है हमारी इमोशंस बिगड़ती कैसे, हम पे कैसे इफेक्ट कर सकती है हमारी डेली लाइफ. हम अभी सिर्फ इफेक्ट की बात कर रहे हैं, हम पीछे के क्वेश्चन पे नहीं जा रहे, अभी हम आगे पे हैं कि कैसे ये हम पर अफेक्ट करेगी. जब कोई अनहैप्पी होता है तो वो अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर देता है. और वो दूसरों को ज्यादा खुश देखता है, चाहे वो हो ना खुश, पर वो जब सैड होता है वो दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने लगता है. डेफिनेटली यस. उसके साथ ऐसा नहीं होता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी जिंदगी खराब है, और ये बात ना वो डीप डीप में सोचता जाता, जैसे और पानी में गिराती जाती, और लास्ट पे वो सोचता है, वो बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाता है, वो लास्ट में सोचता है मैं एग्जिस्ट ही क्यों करता हूँ, जब मेरे में इतनी कमी आए तो मैं एग्जिस्ट ही क्यों करता हूँ. और उसके बाद वो घर छोड़ के चले जाते हैं या नदी में कूद जाते हैं और खुद से अपनी मौत खुद बुलाते हैं. That's very extreme what you've said. Yes, it may happen, but
we are not thinking of the extreme abhi, theek hai? It may also affect us in different ways. कि हमारा कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, फोकस नहीं रहेगा. एंड लेट्स लिसन टू रुष्टा वेदांशी एंड कृतिका फर्स्ट, देन आई विल डिस्कस. या मैम, डिप्रेस्ड हो जाएंगे हम, नर्वस हो जाएंगे, हर्ट हो जाएंगे. राइट, वी विल बी नर्वस. तो जब हम नर्वस होंगे तो क्या हम कोई डिसीजन ठीक से ले पाएंगे? नो मैम. तो ये हमारे डिसीजन मेकिंग पे भी इफेक्ट डालेगा. राइट, मैम. यस, गुड पॉइंट. वेदांशी मैम, वी कैन नॉट अचीव अवर एम. वी कैन और वी कांट? मैम, वी कांट. या वी कांट अचीव आवर एम और गोल. वेरी ट्रू. कृतिका मैम, हम इरिटेटेड रहेंगे. कोई भी हमसे कुछ भी कहेगा तो हम गुस्सा करेंगे और हमारा ना फोकस लग जा पाएगा. Definitely. So, if you would see कि focus नहीं आएगा, हम अपना goal achieve नहीं कर पाएंगे. Very true. हम कोई decision ठीक से नहीं ले पाएंगे because हम हमेशा nervous रहेंगे. Apart from this, अगर आप एक चीज और observe करो तो आपका आपके mind में बहुत negative thoughts रहेंगे. तो जब negative thoughts रहेंगे तो आपका confidence level क्या होगा, बढ़ जाएगा या गिर जाएगा? गिर जाएगा. राइट, तो जब कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा तो जो हमारी एबिलिटी है कुछ भी करने की वो भी तो कम हो जाएगी, बिकॉज हम अपने पर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे कि हम कर सकते हैं. राइट, सो इट अफेक्ट्स अस सो बैडली. सोचो कि अगर हमारा हेल्थ ठीक नहीं है क्योंकि हम उसी बारे में सिर्फ सोचे जा रहे हैं कि हमें और कोई चीज दिख ही नहीं रही अपने आगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. राइट, सो नाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू टेक केयर ऑफ आवर इमोशनल हेल्थ. अब सोचो कि आप अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान कैसे रखोगे, क्या करोगे अपने इमोशनल हेल्थ के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना होगा तो what I do is I generally go for a walk, I do yoga, I do meditation. And apart from it, I read books. I also read with my child. I play with him. So these things help me to maintain my emotional health. And I share out with him if I'm not feeling fine with certain things of his. We talk it out together. So, so aap kya karte hoge? Kya kar sakte ho apne emotional health ke liye? Ya log kya karte honge? Aur Aradhya. मैम, मुझे ये समझ में नहीं आया. क्या समझ नहीं आया बेटा? मैम, आपने जो अभी बोला क्या करेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आया. ओके, आप कोई गेम्स खेलते हो? यस. ओके, कौन सा गेम खेलते हो? कैरम बोर्ड. ऑलराइट, छुपन छुपाई. आप बहुत टेंस हो, ठीक है, और मैं आपको कैरम बोर्ड कहूंगी. आप आराधित होते कैरम बोर्ड खेलो तो आपको कैसा फील होगा? बहुत अच्छा नहीं लगेगा. अच्छा लगेगा. फिर वो जो टेंशन थी वो कहाँ गई? वो है अभी भी या चली गई? है. मतलब कैरम खेल के आपको रिलैक्स नहीं लगा अभी भी? अभी भी आप वैसे घबराए हुए हो? नो नो इज फॉर व्हाट, एक्सप्लेन मी. मैम, हम रिलैक्स तो हो जाएंगे लेकिन हमारा हम थक जाएंगे. हाँ, हम थकते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, पर आपने अभी कहा आप रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है. अब आप जब उस गेम को स्टॉप करोगे और फिर दोबारा से वही काम लोगे जिससे आप थोड़ा टेंस्ड थे, अब आप उसको बेटर ढंग से करोगे या पहले जैसे ही टेंशन में थे वैसे ही रहोगे? बेटर. बेटर, तो इट मीन्स कि जो कैरम खेलना है वो आपको रिलैक्स करता है. So, कोई भी एक्टिविटी हम अपने लिए सब करते हैं जो रिलैक्स करे. दैट इज द वे वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ, इमोशनल हेल्थ. तो कभी कभी बात करने से भी होता है, राइट? कभी कभी आप बात कर रहे हो किसी से या कोई एक्टिविटीज है जो स्पेसिफिक है आपके लिए. फॉर एग्जाम्पल, वेदांशी जस्ट रोट इन द चैट कि थिंक पॉजिटिव and try to stronger willpower. Yes, आपको अपनी willpower को strong करना है.
अच्छा थिंक पॉजिटिव तो देखो हमेशा नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट वॉट इट इज लाइक लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा प्रोजेक्ट इतना अच्छा नहीं लगा मैम को, ठीक है, तो क्या रीजन होगा, क्या इसमें प्रॉब्लम था. अगर मैं अपनी मैम से डिस्कस करूँ ये बात, तो मुझे प्रॉब्लम पता चलेगी, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, राइट. बट अगर मैं पहले फ्रेम में बैठ जाऊँ कि नहीं ये नहीं है, मेरे से नहीं होता, मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती, तो वो तो मैं इमोशनल हेल्थ को बर्डन कर रही हूँ. बट अगर मैं डिस्कस कर रही हूँ, कोई चीज समझती हूँ, अपनी प्रॉब्लम को देखती हूँ या अपनी एरर को देखती हूँ, तो तब भी तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगी ना कि अच्छा इस वजह से अच्छा नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम मुझे इस चीज पे ध्यान देना है. लेट्स से प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी, या लेट्स से टॉपिक बाय टॉपिक जैसे हम बढ़ रहे थे वो ठीक नहीं था, राइट. सो द सीक्वेंसिंग वॉज नॉट करेक्ट. सो वेन यू गेट टू नो योर एरर यू आर मोर रिलैक्स्ड. तो दिस इज वॉट इमोशनल हेल्थ डस फॉर अस. अगर हम ध्यान रखते हैं अपनी इमोशनल हेल्थ का, तो हम ना ये एंग्जाइटी हड़बड़ाहट वाले स्टेज में नहीं रहते, हम मेजरली रिलैक्स एंड काम रहते हैं. तो अब आप ये सोचो कि आप अपने लिए क्या क्या ऐसा करते हो जो आपको रिलैक्स करे या काम करे, बिकॉज हम सबके लिए अलग है. नाउ आई प्ले विद माई चाइल्ड, दैट रिलैक्सेस मी एंड काम्स मी. विल दैट बी द केस विद यू? नॉट नेसेसरी. मे बी फॉर यू इट्स मोर ऑफ लाइक रीडिंग आउट सम गुड ह्यूमर वाला नॉवल, कुड बी दैट ऑल्सो. इट कुड बी डूइंग सम आर्ट वर्क, राइट. It could be also listening to music, किसी का dancing हो सकता है. So हम सब अलग हैं, तो इसलिए जो choices हमारे लिए होंगे हमें relax करने के, वो भी तो अलग होंगे. So we'll do a quick activity here. Get a sheet for yourself, और उस पर you have to write कि क्या क्या activities कर कर आप relax feel करते हो. And the reason is कि कभी आप stressed हो, burdened हो, कभी उदास हो, and you want to relax yourself. So you can always go back to these activities. So writing will give you clarity ki okay, abhi main burdened hoon, let me stop this work, let me relax myself. Kyunki kya hota hai na, jab hamara brain hai na, jab ye bahut sari tension dekhta hai na, ye ghabra jata hai. To jab ye ghabra jata hai, ye kaam hi nahi karega. But agar main isko relax karungi, to isko dikhega ki haan, sab kuch theek hai, koi tension nahi hai. To tab jab main dobara se difficult task pe jaungi ya tension wale task pe jaungi, तब उसके सामने क्या है कि हाँ सब ठीक है, मैनेज हो सकता है. तो फिर वो उस चीज को सॉल्व करने के बारे में सोचेगा. ओके, सो विच इज वाई इवन लेट्स से व्हेन यू आर टेंस एंड इफ यू जस्ट गो एंड टेक अ नैप फॉर हाफ एन आवर, यू आर रिलैक्स्ड. सो इवन टेकिंग अ नैप कैन रिलैक्स यू. ओके, सो ऐसे ही सोचो क्या क्या एक्टिविटीज आप कर सकते हो. जस्ट गेट अ शीट, आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू एंड यू विल गेट 5 मिनट्स टू डू दिस. You can make any picture in between. जरूरी नहीं है आपने गर्ल का ही बनाना है, आप कोई भी शेप कुछ भी बना सकते हैं, स्माइली, सर्कल, स्टार, एनी शेप यू कैन मेक. सिर्फ सेंटर में आपने लिखना है what relaxes me and calms me and how do I keep my mind healthy is what you are discussing about. Writing about. तो अगर आप मुझसे पूछेंगे let's say, तो I'll write here exercising, dancing, playing with my child, reading with my child and reading by myself also when it's like my alone time, going for walk, listening to music relaxes me a lot. Okay, and when I bake a cake, even that relaxes me. तो अब आप अपने लिए सोचो कि आप क्या करोगे which relaxes you. Even yoga and meditation I do. So just think and write. Okay. Somebody just. Okay. Vedanshi does meditation and mantra jap every day. It keeps me cool. Okay, Vedanshi. Archit has a doubt. Yes, Archit. Yes, Archit. Ma'am. Mm-hmm. Ma'am, ye jo girl hai, ye draw karni hai. आप बताओ क्या ड्रॉ करना है. मैम ये गर्ल जो आपने शेयर कर रखी है, मैंने आपसे क्या कहा था, गर्ल ड्रॉ करोगे आप? आर यू अ गर्ल? नो मैम. सो यू कैन ड्रॉ एनी शेप, ठीक है? ओके मैम. इट कैन बी एनी शेप. यस उज्जवल.
मैम हमें कहीं जाना है इसलिए हम क्लास लीव कर सकते हैं. That's your choice, Ujjwal. But there is a homework. So how will you get the information for the homework? क्योंकि आपने एक pamphlet बनाना है और book के pages करने हैं. आप कैसे information देंगे? Please wait till the class ends. And you are any which ways attending it on the phone? Kumkum, you have some doubt? Okay, please unmute. Ma'am, ye to apne pehle bhi karwaya tha. मैंने पहले नहीं करवाया था बेटा. ये सिर्फ पिक्चर गर्ल का है. उसके अंदर देखो मैंने क्या लिखा है. इट इज नॉट रिटन व्हाट मेक्स मी मी. इट इज रिटन व्हाट रिलैक्सेस एंड काम्स मी. जस्ट टेक अ पिक्चर सेम. अंदर जो आप कर रहे हो एक्टिविटी वो अलग है. Ujjwal, please do the work. Pritika, you have any doubt? Okay. Ma'am, हम एक flower बना के जैसे उसकी जो हम flower की पत्तियां बनाएंगे उसमें लिख सकते हैं? Your choice, Pritika. You can. Okay, ma'am. Rushta, any doubt? Rushta, you have a doubt? Ma'am, you have unmuted me again. Okay. Yes, Rushta. Ma'am, हमने ना दो तीन पार्ट लिखे हैं वो बताने हैं. Just wait. After one minute. Auto games with the father, nestling, rhymes playing with the sister, watching cartoon, yoga. Make a card for teacher. Okay. Right. Great. Radha, you want to ask something? No? Okay. Then you can continue. Arav, is there a doubt? Yes, Abhi. Ma'am, ये तो आपने दिखाया. Ma'am, इसे अभी करना है. Ma'am, आप homework में भेज दोगे? अब नहीं करना है बेटा. Homework तो अलग है. Abhi, unmute. I've sent you the prompt. Ma'am, इसे कैसे करना है? आपने लिखना है कि आपको क्या चीज रिलैक्स करती है. ओके मैम, ये गर्ली बनानी है या फिर मैम कुछ और बना सकते हैं? कुछ भी बना सकते हैं बेटा. ओके आई have these queries resolved. Okay. Vedanshi has done. Yes, Vedanshi, you can unmute and talk. I do meditation and mantra jap every day. And I listen Shiv Stotram every day. That keep me calm, cool and relaxed. Okay. No other activity you do? Mom,
I watch TV also. Okay. All right. What we add कर सकते हो बेटा? Whatever you do, you can keep on adding. That relaxes you. ठीक है? Yeah. You can have more. Yes, Arvi. मैं फ्लावर की शेप ड्रॉ करके बना सकते हैं. एनी शेप बताइए. ऑलराइट. नाउ पीपल, विद दिस वी फिनिश आवर यूनिट. जो हम प्रोजेक्ट कर रहे थे हाउ टू रेज आवर इम्यूनिटी, वी कल्मिनेटेड टुडे एंड द एंड प्रोडक्ट इज यू हैव टू मेक अ पैम्फलेट. ठीक है, तो मैं आपके साथ अभी गाइडलाइंस शेयर कर रही हूँ पैम्फलेट के. आई एम ऑल्सो शेयरिंग द लिंक हियर, द गूगल लिंक for you all to keep a copy of it and prepare your pamphlet. Ma'am, can you just check once if the link is working? Preeti ma'am, can you just check once if the link is working? The Google link. Yes, ma'am, I will check. Yeah. Okay, people, in the meanwhile, I'll just share the screen with you just to give you the guidelines of it. Yes, ma'am, it's working. Fine. Thank you, ma'am. Okay. So, people, these are the guidelines. सबसे पहले pamphlet का एक title page होता है जो बहुत catchy होना चाहिए. राइट, इट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. कोई देखकर उसको ना पढ़ना चाहे कि इसमें क्या लिखा है. पैम्फलेट इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है. सो यू मेक अ टाइटल पेज और उस पर आप एक टाइटल दोगे. जैसे कि ये बुक है, अब बुक में आपने देखा होगा ना कि बुक में एक टाइटल होता है, हेडिंग दिया होता है बुक का, और जो कवर पेज होता है वो डेकोरेटेड होता है, बहुत अच्छे से बना होता है. और कई बार बुक का कवर पेज अगर हमें अच्छा लगता है तो हमारा मन करता है बुक को रीड करने का. तो ऐसे ही हम पैम्फलेट का पेज बनाते हैं कि वो इतना इंटरेस्टिंग हो कि किसी का मन करे उसे पढ़ने का कि इसमें क्या लिखा है. और आप उसको एक टाइटल दोगे, जैसे कि मैंने टाइटल के लिए एक एग्जांपल लिखा आपके लिए, हेल्दीफाई ईच वन, क्योंकि हम हेल्थ का बात कर रहे हैं. ठीक है, अब इसमें आपने कंटेंट क्या क्या डालना है. अब जब आपने एक पेज वो बना दिया, अब आपने आगे उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखनी है. फर्स्ट आप लिखोगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या लिखोगे. इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, थ्री टाइप्स ऑफ हेल्थ कौन सी होती हैं, और ये थ्री टाइप्स ऑफ हेल्थ जो है ये इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, ये आप एक एग्जांपल से बताओगे. फॉर एग्जांपल, अगर मेरी किसी से फाइट हो गई, तो यानी मेरी सोशल हेल्थ ठीक नहीं है, मेरी फाइट हो गई मेरी फ्रेंड से, तो अब मैं कैसा फील कर रही हूँ. मैं सैड फील कर रही हूँ, राइट, आई एम डिप्रेस्ड. तो मेरी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ यहाँ पर इफेक्ट हो गई, और फिर मेरा ठीक से कुछ खाने का भी मन नहीं करेगा, तो मेरी फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट आ रहा है. तो आप कोई भी एग्जांपल लेकर तीनों हेल्थ का रिलेशन एक्सप्लेन करोगे. ठीक है, कि कैसे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ, और सॉरी फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल हेल्थ कैसे कनेक्टेड है. देन नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ. इंट्रोडक्शन लिखने के बाद नेक्स्ट आप लिखोगे कि हेल्थ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हम कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं. तो हेल्दी रहना क्यों इम्पोर्टेंट है और हम कैसे हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज फिजिकल हेल्थ. अब आप यहाँ फिजिकल हेल्थ का मीनिंग लिखोगे और आप अपनी फिजिकल हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हो, आप वो लिखोगे. ठीक है, देन इमोशनल हेल्थ. इमोशनल हेल्थ का मीनिंग क्या है और आप अपनी इमोशनल हेल्थ कैसे मेंटेन करते हो. जैसे अभी आपने एक्टिविटी की, व्हाट रिलैक्सेस यू, सो दिस इज हाउ यू मेंटेन इट, तो आप यहाँ पर वही लिखेंगे. ओके, लास्ट इज सोशल हेल्थ, कि सोशल हेल्थ का क्या मीनिंग है और आप कैसे सोशल हेल्थ को मेंटेन करते हो. फिर लास्ट पैम्फलेट को आप एंड करोगे इम्यूनिटी का मीनिंग समझा के, कि इम्यूनिटी का क्या मीनिंग है और कैसे हमारी जो हेल्थ है वो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. तो अगर हमारी तीनों हेल्थ इन प्लेस है तो इट मीन्स हम हैप्पी हैं, तो हमारा बॉडी में भी प्रॉब्लम्स कम आएंगे, इस वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी. ओके,
सो विद दिस यू विल एंड विद योर पैम्फलेट एंड यू कैन बी क्रिएटिव. आप इसमें पिक्चर्स, कार्टून्स रिलेटेड टू द टॉपिक आप बना सकते हो, कलरफुल बना सकते हो, जितना क्रिएटिव आपको होना है दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू. ओके, सो दीज आर द गाइडलाइंस. ये गाइडलाइंस मैंने आपके पास गूगल लिंक शेयर किया है, आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो यही शीट आपके पास खुल जाएगा विच यू कैन डाउनलोड एंड कीप विद योर सेल्फ वाइल यू मेक इट. ओके, अपार्ट फ्रॉम इट देयर इज ऑल्सो अनदर होमवर्क पेज 32, 33 एंड 35 ऑफ योर बुक विच आई विल जस्ट टाइप इट इन द चैट. ओके, लेट मी जस्ट लिसन टू द क्वेरीज फर्स्ट. यस आरव, मैम इसे हमें लिखना है. आपने पैम्फलेट बनाना है बेटा. पैम्फलेट एक ऐसा होता है पेपर, जैसे कि ये एक पेपर है, ठीक है. आप इसको फैन के तरीके से फोल्ड करते हो. सी आई एम मेकिंग इट लाइक अ फैन. ये पैम्फलेट बन गया. अब आपने यहाँ पर इसका, ये पैम्फलेट का फर्स्ट पेज है तो आप यहाँ पर लिखोगे टाइटल पेज, फिर आप नेक्स्ट पेज ओपन करोगे, फिर यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे, फिर उसके बाद इस पेज को बंद कर आप वापस पीछे आओगे, यहाँ लिखोगे. सो दिस इज द पैम्फलेट. ये आपको जनरली डॉक्टर्स, अगर आप जाते हो अपने डॉक्टर के पास वैक्सीनेशन या डेंटिस्ट या कहीं जाते हो, यू हैपन टू सी दोज इन्फॉर्मेशन वाले पैम्फलेट्स थे, तो आपको वही बनाना है जिसमें आप ये सब जो मैंने आपको कंटेंट दिया है आप ये सब लिखोगे. ओके, यस प्रतिका. मैम हम ये पूछ रहे थे, हमें जैसे एक कॉपी बनाते हैं हम ऐसे मोड़ने वाले अलग अलग पेज बनाने हैं. हाँ वैसे भी बना सकते हो. ओके मैम, यानी तो पेपर को फैन शेप में फोल्ड कर हर पेज पर आप ये एक पर इंट्रोडक्शन, एक पर ऐसे भी लिख सकते हो. ओके मैम, ये बन गया फैन. पहले हम इधर लिखेंगे, ये देखो मम्मा. ओके, वेदांशी. नो मैम, नो डाउट. All right, then you can mute. अभी मैम हम पूछ रहे थे, जो आपने सब कुछ बताया मैम, ये जो ये है ना मैम, शेयर किया है जो मैम आपने. हाँ जी. तो मैम इसको कॉपी में लिखना है. आपने बेटा पैम्फलेट बनाना है, उसमें ये सब लिखना है, ठीक है. तो फैन शेप का मैंने आपको बताया ना, वो पैम्फलेट होता है. या आरिका, मैम हमने वो गोल बना लिया, हम आपको दिखाएं. आरिका जस्ट गिव मी सम टाइम, लेट मी फर्स्ट टेक द क्वेरीज. ओके, यस कनिष्का. मैम पेज नंबर कौन कौन से हैं? 32, 33, 35. आई जस्ट टाइप इट इन द चैट अभी. ओके, यस प्रियांशी. मैम ये कहीं पे बनाना है? आपने पैम्फलेट बनाना है बेटा और उसमें ये सब लिखना है, ठीक है. ओके मैम. या यस ज़ैनब. ओके, मैम ज़ैनब वेट प्लीज. ओके, आई विल स्टॉप द स्क्रीन शेयर हियर. आई विल जस्ट टाइप द होमवर्क इन द मीनवाइल. मेक द पैम्फलेट रेफरिंग टू द गाइडलाइंस शेयर. And do page 33 and 35 of your book. Okay. Yeah, that's done. So that's the homework. With this, we end the session. Have a wonderful day. Enjoy your day. Bye-bye all.